हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस इन्फो में। और आज दोस्तों आप सबके लिए स्मार्टफोन टैबलेट योजना से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है और उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। हालांकि दोस्तों जो पिछला नोटिस आया था उसको लेकर के आप सभी के अंदर जो कन्फ्यूजन चल रहा है, डाउट चल रहा है, हालांकि देखिए वहाँ पर एक मेरी मिस्टेक थी कि हमने वहाँ पर चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किया था, लेकिन इस बार हम अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि दोस्तों वो जो नोटिस आई थी ना कि 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, वो आपके कॉलेज के नोडल अधिकारी के लिए आई, यानी कि नोडल अधिकारी जो भी आप कॉलेज में बनाए गए होंगे उनको आई थी कि आप जाकर के जिला प्रशासन से टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करें और अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग क्या करें कि आप अपने कॉलेज में महाविद्यालय में क्या करें डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, ठीक है। हालांकि दोस्तों एक चीज़ मैं और कंफर्म कर देना चाहता हूं कि सबसे पहले थर्ड ईयर के स्टूडेंट को मिलेगा, थर्ड ईयर या फिर जिनका लास्ट सेमेस्टर है, अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, या फिर आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, सिक्स सेवन्थ सेमेस्टर है, उसके बाद सेकेंड ईयर के छात्रों को मिलेगा और सबसे लास्ट में फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के छात्रों को मिलेगा। आइए दोस्तों हम पूरे अपडेट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे इस पूरे अपडेट का मतलब क्या है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको हम बताना चाहते हैं, आप सबको सूचित करना चाहते हैं कि अगर आप या फिर आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है जो BHU, BA, BSc, BCom जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम, CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है या फिर MA, MSc, MCom, यानी कि अगर आप भी PG कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं BHU, CUET की, तो दोस्तों आप हमारे इस नंबर पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको हमें एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। यहाँ पे दोस्तों क्या कुछ लिखा है कि विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा मुफ्त टैबलेट व स्मार्टफोन। शासन की ओर से विद्यार्थियों को जल्द ही मुफ्त टैबलेट व स्मार्टफोन मिलेगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व संबद्ध 353 कॉलेजों के 2,02,477 का वितरण पोर्टल पर काफ़ी पहले ही अपलोड किया गया था। नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार पंत ने बताया कि वाराणसी में 87,806, भदोही में 15,635 और चंदौली में 36,684, मिर्ज़ापुर में आपका 41,718 एवं सोनभद्र में 20,534 वितरण पोर्टल पर अपलोड किया गया था। प्रथम चरण में गत 22 मार्च 2,192 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित हुआ था। अब दोस्तों इसका देखिए मतलब ये है कि आप लोग कंफ्यूज हैं, बार बार आप लोग परेशान भी कर रहे हैं टीचर्स को भी और बार बार कमेंट भी कर रहे हैं कि सर कब मिलेगा, किसको मिलेगा। देखिए आप लोग, बस हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग वेट करिए, मिलना तय है, गवर्नमेंट की योजना है, तो आप सभी जानते हैं कि एक प्रोसेस होता है, इतना जल्दी आपको ये नहीं मिलेगा। हालांकि मिलेगा ये कन्फर्म है और मेरे ख्याल से जहाँ तक हमें लगता है कि अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया है, वो आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी। हालांकि देखिए दोस्तों, जो भी आपके कॉलेज महाविद्यालय में जब भी बटना होगा ना, कॉलेज वाले महाविद्यालय वाले एक नोटिस जारी करेंगे कि इस दिन को आपके कॉलेज में इनको मिलना है, यानी कि इन छात्रों को मिलना है, आपको अपने साथ ये कार्ड लेके जाना है, इस समय आना है। यानी कि दोस्तों आपका कॉलेज महाविद्यालय इस बारे में इन्फॉर्म करेगा, इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। हालांकि दोस्तों कोई भी अपडेट आती रहेगी तो हम आपको बीच बीच में इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिलहाल आज के दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी अपडेट आती है तो DNS इन्फो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।